उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त आरोपी मां तथा तहरे भाई को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक ऐसी घटना है जहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि एक मां अपनी बच्ची को कत्ल कर सकती है, लेकिन यह सच है कि कलयुगी मां ने अपने प्रेमिक के साथ मिलकर 6 वर्षीय अपनी बच्ची का कत्ल कर दिया। घटना कुछ इस प्रकार है कि जब बच्ची ने अपनी मां और भाई को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तब उसने पूछा कि आखिर मां आप लोग ऐसे क्यों हैं, और यह बात मैं अपने पिताजी को बताऊंगी। इस बात को उसकी मां सहन नहीं कर पाई और दराती से उस मां ने अपनी बच्ची का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, उस बच्ची के कत्ल के बाद इन्होंने सारे घर को धोया, कपड़े धोए और उन सामान को छुपा कर रख दिया और उस बच्ची को एक बाजू में बने खंडर में डालाए और तुरंत यह रोने गाने लगे कि हमारी बच्ची कहीं गुम हो गई है। तब जाकर पुलिस में शिकायत की और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एफएसएल टीम के द्वारा साथ मिलकर यह घटना का अनावरण किया है और हत्या में संलिप्त आरोपी मां तथा तहरे भाई को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से आलाकत दराती, दो डंडे एवं घटना कार्य करते समय हत्या आरोपियों के द्वारा पहने गए रक्त रंजित कपड़े भी बरामद किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है हापुड़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की जुबानी एक कलयुगी मां के काली करतूत की पूरी कहानी। देखिए, दिनांक 31/3/24 को थाना बहादुरगढ़ पुलिस को शाम को लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जखेड़ा में एक 6 वर्षीय बालिका है, बच्ची है, जो अपने घर से कहीं गायब हो रखी हो, जिसको सब गांव वाले मिलकर के तलाश रहे हैं। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बच्ची की तलाश शुरू की गई। घर से लगभग 25 मीटर दूरी पे एक खंडहर में उस बच्ची की शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद फॉरेंसिक टीम, थाना की टीम सबने मिलकर के कार्रवाई करी, जांच करी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग फॉरेंसिक टीम द्वारा संकेत किए गए, जिसको जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि ये हत्या घर में ही किसी के द्वारा कारित की गई है। इसमें जो घर पे मौजूद बच्ची की मां एवं एक रिश्तेदार जिनका नाम अंकित है, उनको हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा जब कन्फ्रंट किया गया सबूतों के साथ तो उन्होंने पूरी घटना को कबूल करते हुए बताया, बच्ची की मां ने, कि ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। बच्ची की मां एवं जो उनका भतीजा है अंकित, उनके बीच में कुछ अवैध संबंध डेवलप हुए थे जिसकी जानकारी बच्ची को हो गई थी और बच्ची ने यह बोला था कि मैं इसकी जानकारी अपने पिता को दूंगी। इस कारण से घबरा करके उसकी मां द्वारा आवेश में आकर के दराती से बच्ची के ऊपर हमला किया गया और हमला करने के उपरांत सह अभियुक्त अंकित के साथ मिलकर के बच्ची के शव को बगल के खंडहर में जाकर के छिपा दिया गया। खंडहर में छिपाने के बाद उन्होंने ये शोर मचाना शुरू किया कि बच्ची हमारे घर से गायब है एवं वो मिल नहीं रही है। इस पूरी घटना के अनावरण में फॉरेंसिक टीम एवं थाना बहादुरगढ़ पूरी टीम द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करते हुए 24 घंटे से भी कम समय के अंदर इस पूरी घटना का अनावरण किया है, जिसके लिए थाना बहादुरगढ़ और फॉरेंसिक टीम बधाई के पात्र। सर, जो हत्या हुई थी, जब हत्या के समय जो इसके प्रेमी था महिला का, वो भी घर के अंदर ही मौजूद था, आपत्तिजनक स्थिति में थे जो लड़की ने देखा? बिल्कुल, जब जैसे मैंने बताया कि लड़की ने इनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिस कारण से घबरा करके बच्ची के जो रिश्तेदार है अंकित भतीजा और उसकी मां ने पहले बच्ची को समझाने का प्रयास किया कि ये चीज अपने पिता को डिस्क्लोज ना करे, लेकिन जब बच्ची द्वारा लगातार ये बोला गया कि मैं इसकी जानकारी अपने पिता को दूंगी, तो उसने घबरा करके फिर आवेश में आकर के घर में रखे हुए दराती से उस बच्ची के ऊपर हमला किया, जिसमें वो बच्ची घायल हुई और उसके शव को ले जाकर के छिपा दिया गया। शव को छिपाने के उपरांत भी उन्होंने पूरे घटनाक्रम को छिपाने के लिए घर की धुलाई की गई, घर की लिपाई की गई मिट्टी से और अपने कपड़े वगैरह भी धो दिए उन्होंने, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम द्वारा बारीकी से जांच करते हुए घर के अंदर से सभी साक्ष्यों को, टेक्निकल एविडेंसेस को बहुत ही अच्छे ढंग से कलेक्ट किया गया, जिससे इस घटना का अनावरण हुआ। पूरी फॉरेंसिक टीम